हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और आज का स्पेशल वीडियो है हैशटैग माय क्वेश्चन के नाम से। जिन लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछे थे उन सारे सवालों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला सवाल है, नीलेश मौर्य जी ने सवाल किया है हैशटैग माय क्वेश्चन। माई मदर इज 60, रिसेंटली सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन इन नेक एंड शोल्डर, अनेबल टू टर्न और मूव हर नेक, टेकिंग एलोपैथी ट्रीटमेंट विद मेडिसिन एंड ट्रैक्शन, एज इन स्कैनिंग फाउंड दैट नस दबी हुई है। शी कांट स्लीप प्रॉपरली, आई हैव सीन बोथ वीडियोज ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सम जॉइंट आर क्लियर, सम पॉइंट्स आर क्लियर बट सजेस्ट सम ट्रीटमेंट टू कॉप अप विद दबी हुई नस। देखिए मैं इनका सवाल आपको समझा देती हूँ। नीलेश कुमार जी ने सवाल किया, इनकी जो मदर हैं उनकी एज है 60 साल की उम्र है और उनको गर्दन में यहाँ पर और बैक में शोल्डर वाला ये जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर इनको प्रॉब्लम है, जॉइंट स्टिफनेस है और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथी मेडिसिन ली, उन्होंने ट्रैक्शन वगैरह एडवाइस किया। ट्रैक्शन क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या है ये, ठीक है। यहाँ उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया पर स्कैनिंग में पाया कि नस दबी हुई है। अब ये आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि नस दबी हुई है या कोई नस ब्लॉक है जिसकी वजह से पेन उठ रहा है, ये सारी एक कंप्लेन होती है जो कॉमन लैंग्वेज में लोग समझाते हैं। ये है क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मैंने जो वीडियोस बनाए थे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले, एक चीज़ मैंने आपसे क्लियर करी है, अभी दोबारा आपको बोल रही हूँ, हमारे शरीर की पैथोफिजियोलॉजी हर जगह सेम होती है। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ डेवलप हो रहा हो, ये जो छोटे छोटे से जॉइंट हैं आपकी उंगलियों के, चाहे गर्दन के हो रहे हो, कंधे में डेवलप हो रहा हो, नी में हो रहा हो, टो में हो रहा हो, कहीं पर भी यदि बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टोटल मिला के जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो हर जगह एक ही चीज़ होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक में इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, हो क्या रहा है, हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती हैं वो एक के ऊपर इस तरीके से सेट होती हैं, वहाँ कोई प्रॉपर एक हड्डी नहीं होती है ना, एक लंबी हड्डी नहीं होती है, बहुत सारी छोटी 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 सी हड्डियाँ होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इकट्ठी होती हैं, ठीक है। इन दोनों हड्डियों के बीच में, चाहे वो घुटने में हो चाहे आपकी बैकबोन में हो, दोनों हड्डियों के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है। इस गैप में यहाँ पर साइनोवियल फ्लूड भरा हुआ रहता है, यानी कि एक पानी भरा हुआ रहता है, एक ऑयल भरा होता है जो कि ग्लिसरीन जैसा काम करता है और आपके जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको विदाउट फ्रिक्शन करवाता है, ठीक है। और चूंकि ये ब्रेन की बात है ना, ब्रेन मतलब सॉरी बैकबोन की बात है, हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो ये ब्रेन है ऊपर का, दूसरा एक ब्रेन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो हमारी ये पीछे की बैकबोन है इसके अंदर से बैकबोन ऐसी खोखली होती है, ये जो आपको खोखला दिखाई दे रहा है इस तरीके से होती है, और इसके अंदर से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इस तरीके से जाती है, ठीक है, एक लंबी चोटी जैसी रचना होती है जो यहाँ से जाती है। अब जहाँ पर ये जॉइंट आपस में मिलते हैं वहाँ पर इस स्पाइनल कॉर्ड से काफ़ी सारे न्यूरॉन्स निकले हुए रहते हैं। जब कभी आपकी इन जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा, आपकी बोन है वो कमज़ोर होंगी तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ का साइनोवियल फ्लूड कम हुआ, यहाँ पर फ्रिक्शन चालू हुआ, बोन कमज़ोर हुई, ये इस तरीके से हवा में एक दूसरे लटकी हुई थी, इन दोनों को स्टोर करने का काम यहाँ जो दूसरे साइड से लिगामेंट थे, टेंडन थे, मसल्स की कवरिंग थी वो उसको होल्ड किए हुए थे इस तरीके से हवा में। जब कभी भी ये जॉइंट कमज़ोर हुआ तो ये हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के पास आ गई, बिल्कुल ऐसे धम्म से नहीं गिर पड़ती हैं, पहले इतनी दूर थी फिर इतनी आई फिर इतनी आई, ठीक है। अब जब ये पास आएंगी, इनसे निकल रहे थे न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से, तो क्या होगा, वो न्यूरॉन दबने लगेंगे, इसी चीज़ को कहा जाता है नस दबी हुई है। आप लोगों ने सुना होगा सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं जिनको सियाटिक पेन चालू होता है उनको भी यही बोला जाता है कि कोई नस दबी हुई है, सर्वाइकल पेन में भी नस दबी हुई है, लंबर पेन हो जाता है यानी कि कमर के दर्द चालू हो जाते हैं तो वही चीज़ होती है नस दबी हुई है। टोटल मिला के ये है कि इस जॉइंट में जो आपके बैक बोन के बहुत सारे जॉइंट होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे जॉइंट होते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटी 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 बहुत सारी वहाँ हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इन हड्डियों के बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के कारण वहाँ का जो लिगामेंट थे, जो टेंडन थे, जो मसल्स थी, वो सारी वीकनेस हुई, वीकनेस आई तो वो नीचे और आने लगे और उस प्रेशर के कारण न्यूरॉन्स के ऊपर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे थे वहाँ पर प्रेशर आया। ये है टोटल रामायण, ये हर जगह सेम रहेगी। घुटने के दर्द में मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। यदि आपको यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए तो बहुत छोटा सा जॉइंट है लेकिन यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। अब इस नस जो दबी हुई नस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा,
जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी है उसी को सही करना है। ये जो आपकी बोन है, यहाँ की जो पूरी बोन्स कमज़ोर हो गई हैं, यहाँ के जो लिगामेंट थे, जो मसल्स थे, टेंडन थे, जो उसको होल्ड करने का काम कर रहे थे, वो कमज़ोर हो गए हैं और कमज़ोर होने के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे खिसक आए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको स्ट्रेंथ देनी है। जब ये स्ट्रेंथ इनको आएगी तो ये जो नीचे आ गए हैं वापस नॉर्मल तन जाएंगे। ये तन जाएंगे तो वहाँ जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर डेवलप हो रहा था वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो जो नस दबी हुई है वो ठीक हो जाएगी। अब ये सब कैसे होगा, नस दबी हुई को खोलने का कोई उपाय नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के मसल्स को, लिगामेंट को और टेंडन को और बोन को, इन चारों चीज़ों को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ कैसे आएगी, जब भी कोई बीमार होता है तो आपको सबसे पहले उसको रेस्ट करवाना है। यदि बैकबोन में ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, जैसा आपने कहा कि आपकी मदर गर्दन भी इस तरीके से नहीं हिला पा रही हैं, उनको इतना पेन होता है, तो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी बैकबोन को रिलैक्स दो, आराम दो। अब आप रिलैक्स कैसे करोगे, हमारी जो बॉडी है, जो धरती की ग्रेविटी होती है उसके अगेंस्ट में खड़ी है। ज़मीन ऐसे होती है फ्लैट और हम इस तरीके से खड़े होते हैं। इसे इस तरीके से हमारे शरीर को खड़ा रखने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है, रीढ़ की हड्डी करती है। इसका मेन काम है हमारी बॉडी को इस तरीके से खड़ा रखना, स्ट्रेंथ प्रदान करना। अगर ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो ग्रेविटी के कारण हमारा शरीर इधर आगे झुकने लगता है या हम पीछे की तरफ होने लगते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे ना ऐसे करके चलते हैं, ये बैकबोन की कमज़ोरी है। कई बुढ़ापे में लोग ऐसे चलने लगते हैं, ये भी कमज़ोरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको आराम देना है। अब आप आराम कैसे दोगे, आराम देने के लिए प्लीज़ उनको बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट बिना तकिया लगाए, ज़मीन के ऊपर या बेड के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट पतला वाला गद्दा डाल के, कोई वो कुशन वाले बहुत अच्छे जो गद्दे आते हैं अलग अलग कंपनी के जिसमें इंसान बिल्कुल दब जाता है, वो नहीं। सिंपल हमारे यहाँ देसी जो रुई के गद्दे होते थे, अब फोम का, पतली फोम का जो गद्दा होता है उस गद्दे पे उनको लेटना है, बिना तकिया लगाए लेटना है। और लेटे लेटे आपको हल्की हल्की इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। जितना ज़्यादा वो लेटे रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतनी जल्दी उनको ये जो लिगामेंट है इनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जब भी खड़े होते हैं उनको कॉलर का इस्तेमाल करना है। कॉलर क्या, वो जो गले का पट्टा होता है और कमर का पट्टा होता है। भले ही प्रॉब्लम अभी गर्दन में और शोल्डर में है, लेकिन उनको कमर के लिए लंबर वाला जो पट्टा आता है उसका भी इस्तेमाल करना है, गर्दन के लिए भी पट्टे का इस्तेमाल करना है। बहुत ऑड लगता है, देखने में बहुत अजीब लगता है कई बार, पर ये प्रिकॉशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जितना उन्होंने रेस्ट किया वो खड़े हुए वापस वहीं से रामायण स्टार्ट से चालू हो जाएगी। ठीक है, जो कुछ भी आपने मेहनत करी वो सब बर्बाद हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, आपको रेगुलर मसाज करनी पड़ेगी। हो सके यदि आपके पास इतनी लग्जरी है, आपके पास इतना पैसा है, तो एक बार किसी पंचकर्म सेंटर पर जाकर उनका स्नेहन स्वेदन करवा लीजिए। यदि स्नेहन स्वेदन की आपकी परमानेंट फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पर जाके भी उनका स्नेहन स्वेदन करवा सकते हैं। वहाँ पर आप करवाओगे तो आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, बहुत ही मिनिमम 50 रुपये 100 रुपये की कुछ रेट होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। आप प्राइवेट सेंटर पर जाओगे तो पंचकर्म करवाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उसको चूज़ करिए। यदि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो एक बार आप किसी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाकर थोड़ा देख लीजिए कि मसाज किस तरीके से की जाती है। अदरवाइज यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आपको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से, धीरे धीरे अंगूठे की सहायता से इस तरीके से मूव करते करते वर्टिब्रल कॉलम पर मसाज करनी है। मसाज आपको करनी है महानारायण तेल से। महानारायण तेल से दिन में एक बार या दो बार हल्के हाथ से मसाज करिए। उसके बाद गर्म पानी से सिकाई करनी है। यदि गर्म पानी से सिकाई करना पॉसिबल ना हो, कि आप कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो फिर आप उन्हें गुनगुने पानी से स्नान करने के लिए बोलिए। नहाते समय एक बाल्टी दो बाल्टी एक्स्ट्रा पानी रखें और गर्म पानी से स्नान करना है। ये सारी छोटी छोटी सी टिप्स आपको लग रही होंगी कि यार ये तो मुझे पता था या मैंने सुना था, हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें कोई ट्रीटमेंट बताओ। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो हमेशा लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने का रहता है। मैं आपको यहाँ कोई दवाई बता भी दूँ या कोई भी डॉक्टर आपको बहुत अच्छा पेन किलर मेडिसिन बता दे, उससे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आपको आराम मिल भी जाएगा तो एक महीने बाद, दो महीने बाद आप वहीं से स्टार्ट हो जाओगे, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो प्रॉब्लम का कॉज है उसको दूर करना।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपने जो कि केवल एज लिखी है 60 एज है, यदि आपकी मदर को किसी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको एक लहसुन की कली, सिंपल जो लहसुन होता है, एक लहसुन की कली को कूट कर अच्छे से कूट लीजिए उसको, और इसमें 1 से 2 चम्मच 5 ml या 10 ml तिल का तेल मिलाकर, जो इसकी चटनी जैसी बन जाएगी, इसको खाना है, और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीना है, हल्का गुनगुना। लहसुन के साथ में बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिया जाता, हल्का गुनगुना पानी आप पीजिए। इससे क्या होगा, ये जो कमज़ोरी आई है आयुर्वेद में इसको वात दोष के कारण बोला जाता है, जब आप तिल का तेल लोगे और साथ में लहसुन का प्रयोग करोगे तो उससे वात दोष उनका कम होगा, वात दोष कम होगा, साथ में आप एक्सरसाइज करोगे, स्नेहन करोगे तो मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेटे लेटे वाली जो हल्की एक्सरसाइज होती है, यानी कि बिस्तर पर आराम से लेट गए और फिर गर्दन को हल्के हल्के ऐसे मूव कराना है, बिस्तर पर लेटे लेटे बैठ के कराओगे तो हमारी वर्टिकल कॉलम ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़ी है तो वो स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा पड़ रही है, वो नहीं करना। आराम से बिस्तर पे लेट के एक्सरसाइज करानी है, बहुत ही माइन्यूट एक्सरसाइज है, कंधे को ऐसे ऐसे मूव कराइए हल्के हल्के, दोनों इसमें इनको हड्डी ऐसे मूव कराइए, ये यहाँ की एक्सरसाइज होती है, पर इससे क्या यहाँ तक की जो नस होती है वो खींचती है, तो ये हल्की एक्सरसाइज करानी है, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करवानी है। एक्सरसाइज लगातार चालू रखनी है कम से कम 2 महीने, ऐसे तो लाइफ लॉन्ग चालू रखो लेकिन 2 महीने तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, ये लहसुन का और तिल के तेल का आपको प्रयोग करना है। मेडिसिन मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, कई बार पेशेंट की कंडीशन नहीं पता होती है और सारी कंडीशन की, लिवर क्या है, किडनी क्या है, तो इस तरीके से पेन किलर मेडिसिन जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं कई बार नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास जहां कहीं भी अवेलेबल हो वहां से जाके आप ट्रीटमेंट ले आइए, और लगातार 2 से 3 महीने तक आपको चालू रखना है। पंचकर्म यदि करवा सके, पंचकर्म सेंटर पर जाकर स्नेहन स्वेदन करवा सके, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।